अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना यहाँ एक ही पर्सन अलाउड है। हाँ, वो मैं जी, वो मैं फ्रेश होने गई थी ना, तो इसलिए। ओके। सलोनी संभाल खुद को, ऐसे नर्वस दिखेगी तो पकड़ी जाएगी। बस अब जीत करीब आ चुकी है। नर्स ये इंजेक्शन दे रही है ऋषि को, उसके बाद ऋषि खत्म और सारा टेंशन भी खत्म। विक्रांत और मेरी जिंदगी में कोई रुकावट नहीं आएगी, हमारा सपना भी पूरा हो जाएगा। ये नर्स इतना टाइम क्यों लगा रही है? जल्दी इंजेक्शन दे ना ऋषि को, ताकि ऋषि खत्म और विक्रांत का टेंशन भी और मेरा भी। आराम से। अभी तक सलोनी का फोन नहीं आया, क्या हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गॉड नोस उसने काम किया है कि नहीं वहां। क्या हो गया? अचानक मुझे ऐसे चक्कर क्यों आ रहे हैं? बहुत सर दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ, चक्कर आ रहे हैं ना? हाँ सिस्टर, बहुत चक्कर आ रहे हैं। मैंने बोला था आपको, और आप घर जाने की बात कर रहे थे। पर मुझे इतनी जोर के चक्कर क्यों आ रहे हैं सर? क्या हो गया? वो सर पे चोट लगने की वजह से। डरने की बात नहीं है, बस आपको रेस्ट की जरूरत है। एक काम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए। अच्छा वैसे आपको कुछ याद आया, सर पे चोट कैसे लगी थी आपको? वो मैं गिर गया था। ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देती हूँ, ले लीजिए, इससे आपको आराम मिलेगा। अच्छा आप रेस्ट कीजिए, मैं आती हूँ। सलोनी कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे फोन करो ना, और एक अच्छी खबर दो मुझे कि ऋषि खत्म हो गया है। सलोनी, hey, सलोनी, hey, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या अंदर? तो इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ? माँ, वो क्या हुआ? ऋषि, हमारा ऋषि ठीक है ना? ऋषि, सुन, इधर आ बेटा, इधर आ, बैठ, सांस ले। क्या हो गया तुम? इतनी डरी हुई क्यों है? सलोनी मेरी देख ना मेरी तरफ। हाँ। क्या हो गया? इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। कहीं से ठीक नहीं लग रही है। पता ना क्या पता? माँ वो ऋषि माँ, ऋषि को होश आ गया? नहीं माँ, ऋषि वो नहीं, मतलब ऋषि को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, ऋषि ठीक तो है ना? सलोनी ऋषि ठीक तो है? भाई भगवान, ऋषि का एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में है। बस ऋषि जल्दी से ठीक हो जाए, हमें ये प्रे करना है। ये बेकार के कमेंट्स, ये कंप्लेंट्स, इनकी कोई जरूरत नहीं है अभी। डू यू अंडरस्टैंड? हम कर रहे हैं क्या? कोई और कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, तो फिर तुम क्यों कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं कहोगी अब तुम? सब जी जिस पे ऋषि ठीक हो जाए। गॉड, अब तो विक्रांत आ रहा है, कहीं उसे किसी ने देख लिया तो? लेकिन वो भी क्या करे, प्रॉब्लम ही ऐसी हो गई है। ऋषि अगर होश में आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। सलोनी बेटा कैसी है? ठीक है ना? ठीक हूँ माँ। वैसे तेरे डरने की वजह पता चल गई है, ऋषि की हरकत से डर गई थी ना। सॉरी बेटा, वैसे ऋषि तो अभी बेहोश है, पर डॉक्टर कह रहे थे कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। सच पूछ तो सलोनी, मुझे ना ऋषि के ऊपर बहुत तरस आ रहा है, बेचारा मरते मरते बचा है। वीरेंद्र भाई साहब तो शायद पुलिस कंप्लेन भी कर देंगे। पर सही मानों में ये सही भी है, मतलब वो ड्राइवर ऋषि को वहीं छोड़कर भाग गया, ऐसे कैसे कोई कर सकता है? इतनी लापरवाही कोई कैसे दिखा सकता है? उस ड्राइवर को तो ना जेल में डाल देना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। सच माँ, डॉक्टर ने क्या कहा, ऋषि को होश कब आएगा? डॉक्टर उसे इंजेक्शन देकर होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं,
एक्चुअली वो पहले भी इंजेक्शन देने जा रहे थे, पर वो गलती से इंजेक्शन गिरकर टूट गया। एनीवे ये सारी बातें छोड़, मेरी ना नीलम जी से अभी बात हुई है। वो कह रही थी कि अगर हम चाहें तो अब घर जा सकते हैं, तो मैं सोच रही थी तो घर चली जा, विक्रांत के पापा भी बस पहुंचते ही होंगे ना। ओह गॉड, विक्रांत यहाँ आ रहा है, मुझे उसके साथ रहना है। अगर वो किसी मुसीबत में पड़ गया तो कोई तो होना चाहिए जो उसकी मदद कर सके। सलोनी हाँ, क्या हो गया फिर से, तू क्या सोचने लगे? बोल तो रही हूँ, चिंता मत कर। माँ मैं सोच रही थी ना कि आप घर चले जाइए। देखिए आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है, और पापा भी आ रहे हैं ना घर में, तो उन्हें भी आपकी जरूरत होगी, तो आप चले जाइए प्लीज। मैं हूँ यहाँ पे, आप चले जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है। अगर वीरेंद्र अंकल ने सच में पुलिस को इन्वॉल्व किया तब तो और प्रॉब्लम हो जाएगी विक्रांत के लिए, तो पकड़ा भी जा सकता है। गॉड, मुसीबत दूर होने के बदले बढ़ती ही जा रही है। कितना मासूम है ये, साफ और सच्चे दिल का, सबका अच्छा सोचता है, तो इसका दुश्मन कौन हो सकता है? मैंने आज तक कभी नहीं देखा इसने किसी से दुश्मनी की या किसी को दुश्मन बनाया। लोग खुद ही अपने गलत मकसद से इसके साथ बुरा करते हैं, वरना ऋषि तो सिर्फ दोस्त बनाता है, दुश्मन नहीं। ऋषि ये भी स्माइल कर रहा था, मैंने देखा, ये पहले जैसे मेरा भ्रम था। सच में होश आ गया? तुम्हें सच में होश आ गया? ऋषि क्या कर रहे हो? अब समझ में आया, मैं होश में ही हूँ लक्ष्मण। अब तुम भी जल्दी से होश में आ जाओ और मुझसे बात करो, सिर्फ मुझसे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।